करते हैं मेरे चैनल पे। आज हम लोग आपको करवाने जा रहे हैं होम टू सीकर वाले घर का, और बहुत बहुत नॉइस आ रही है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हम क्योंकि मेन रोड का घर है तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तो दादी साहब बताएंगे कि हमारा घर कब बना, कितने साल पहले कब बना है। 57 साल हो गए करीब करीब, और ये हमारे गोदाम है। पहले इठे गायें रहती दोनों कन्या, इधर दोनों तरफ गायें रखते थे, अब यहाँ गोदाम बन गए दवाइयों के। तीनों के पोर्शन अलग थे और बहुत आराम से रहते थे। उसके बाद में अब हम लोग पर अलग रहते नहीं थे, अलग अलग तो नहीं रहे, किराए पे चलते थे सारे। हाँ, हमने बनाया सब, हमारे जॉइंट फैमिली आज तक भी हमारे साथ साथ रहते हैं। पर ये हमारा सबसे पुराना मकान है, ये दोनों तरफ सेम पोर्शन है, इस साइड का थोड़ा पीछे एक्स्ट्रा है, चेंज कर लिया, ज्यादा बड़ा करवा लिया। अब बताओ अठिन, यहाँ हमारा ड्राइंग रूम, यहाँ करते हैं। ये ड्राइंग रूम है, हमारा ड्राइंग रूम, भगवान का मंदिर है, ये मेरा स्टोर है सामान का। ये मंदिर, ये श्याम बाबा की कूलर लगा हुआ है, भगवान के कूलर। यहाँ हमारे दादी से करते हैं पूजा। ये ड्राइंग रूम है हमारा, ये मतलब बाहर जो भी जेंट्स आते हैं वो बैठ, सामने सेम पोर्शन है, सेम रूम, सेम सब कुछ, थोड़ा चेंज हो गया वक्त के साथ। ये है दादा के पापा, और ये मम्मी, और ये हमारे बुआ साहब। दाता को पामा शाह सम्मान मिला था, तो वो है। ओम दिख रहा है, दिख गया। सुनो आप एकदम गौर से देखोगे ना, आपको ऐसे ओम दिखेगा इतना बड़ा इस पूरी फोटो में। हाँ अच्छा, गौर से देखो। हाँ दिख दिखा, इसमें ओम देखना है। दिख गया ये पहले चाबियां कटर लटकाओ, वो दिखाओ। दादी सागा मेकअप आइटम सब चीजें, ये देखो दादी सागा खजाना। अब इनको मैंने भी नहीं देखा है, हम देखने में भी हमको बहुत माथा पच्ची होगी। ये जो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, इनके बेटे का सबसे छोटे वाले बेटे का दादी सागा स्कूल का बॉक्स है। सारे विदेशों वाले प्रोडक्ट और मिलेंगे आपको यहाँ पे, पर्स, परफ्यूम। ये मैं हर चीज इसमें, हर सामान रखती हूँ, दादी का सारा सामान इसमें मिलता है। थोड़ा परिवार बना होने से मैंने फिर थोड़ा चेंज कर, थोड़ा चेंज होता रहा टाइम टाइम के अकॉर्डिंग। बाकी वैसे ये घर बहुत पुराना है, 55 साल पुराना, बहुत ही अच्छा। और मेरे ये दादा दादी का रूम है, तो रूम की साइज सब कुछ होती रही। ये दादा की अलमारी, दादा की कोई इम्पोर्टेंट चीजें मत दिखा देना। पुराने टाइप की काफी एरिया इसके अंदर। तो ये हो गया दादा का रूम। ये हमारे किचन, सब तीनों की तीन किचन भी अलग थी, पर हम खाना एक ही किचन में बनता है हमारा। अब स्टोर रूम कर लिया, किचन बड़ी हो गई। हाँ, ये यहाँ पे दादी सगा खजाना होता है, खाने पीने का, खाना पीने का खजाना है हमारे, और सब बीच में रहते हैं। और बाकी रसोई छोटी पड़ रही थी, ये रसोई बड़ी कर ली, बड़ी बनवा ली, और रसोई भी तीन ही है हमारे। तो आगे चलते हैं, ये बच्चा इधर बच्चे चेंज कर लिया। यहाँ भी एक अलमारी थी दाता के जैसे, थोड़ा चेंज कर लिया, उसको चेंज कर लिया, यहाँ पे ये वाली अलमारी लगा ली। क्या कर रहा है गुंजू? हेलो चीनी, आज का दिन अच्छा रहा? तो ये हो गया छोटा सा चौक, और यहाँ पे हो गया दादी सा का बाथरूम, ये वाला सिर्फ दादी सा यूज करते हैं। अगर दादी का और ये हमारा बड़ा किचन है, बच्चे थोड़ा ये किचन है, पहले ये रूम था,
इसका गेट इधर था बच्चों की, और हाँ यहाँ खिड़की थी, शादियाँ हो गई तो फिर हमने ये छोटा सा यहाँ पे दादी सा के भगवान जी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माता है, अन्नपूर्णा किचन में रखने चाहिए ये। सबसे पहले भगवान के भोग लगाते हैं, ये एक एक कमरा हमारा और है, ये लकी कमरा है हमारा, सब इसी में बैठ के सब हम चुगलियां करती हैं। बिजनेस के हिसाब से ये मम्मी का कमरा है, मम्मी इसमें रहता है, हम भी सारे इसी में रहते हैं। ये लकी है तो मैंने सबसे बड़ी बहू है, इसमें ये लकी सब कमरे में रहते हैं, रूम में से सबसे बेस्ट ये है हमारा। ये अदिति माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की मम्मी। अच्छा, ऊपर भी रखी हुई, और ये वही पुरानी वाली, ये पुरानी दो छतियां और ये पुरानी अलमारियां, ये हमारे गणेश जी महाराज की बहुत पुरानी है, 50 रुपए मिली थी हमने उस टाइम। ये चक्की घर है, वॉशरूम ये थोड़ा बड़ा कर लिया, पहले यहाँ किचन थी, चक्की घर, मसाला सब मैं घर पे बनाती हूँ और बाहर से कुछ नहीं खिलाती, सब चीज हर बच्चों को, फिर भी हम छुप छुप के खाई लेते हैं, नहीं पता चल नहीं चलता, देखते तभी पता चलता है कि कुछ खाया था बाहर का, सबूत मिल जाए अगर छोटा मोटा तो पकड़ भी लेती है। तो ये यहाँ पे हो गया, झूला रखा हुआ है और कुंज की गाड़िया वाड़िया सब, और इस साइड जो है इनमें मम्मी पहले गायों की चूरी रखती थी, अब गाय नहीं है तो चेंज हो गया, और इस साइड हो गया सेम पोर्शन, एक पतली सी गली जाती है सेम पोर्शन में पीछे की साइड से, एक गली है जहाँ किराएदार रहते हैं, एक रूम एक महीने पहले दिया है ना, हाँ इनको एक महीना ही हुआ अभी आए हुए, ऐसा था पहले उस साइड भी, तो छोटा सा बाहर रख देते हैं, एक रूम ये है यहाँ पे, और ये रूम आपको बाहर से दिखाएंगे, यहाँ मंदिर, यहाँ मंदिर, ये किचन है, पहले ऐसी किचन होती थी, सारी तीन तीन किचन की बनाई होगी पहले, अच्छा अब थोड़ी चेंज कर ले, पर इनमें आप सबका ब्याह कर दिया आपका सारा टावरा का, वो भी एक पोर्शन में, बाकी दो तो किराए थे, ये कमरे आगे से खुलते हैं, इस पोर्शन का भगवान का मंदिर ये है, ये स्टोर है इसका, अभी अभी चलते हैं उधर की तरफ, ये गुड़िया का ऊपर बेड बनाया था जब किराए पे नहीं था, ये सीढ़ियां जाती थी पर अब किराए पे है, सेम ये अलमारियां वगैरह सब सेम है, तीन बच्चों के सेम तीनों के बराबर तीन पोर्शन, तो अब चलते हैं बाकी सारे रूम की तरफ, और आपको टंकियां वंकियां बहुत दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि ऐसी रहती नहीं है, गर्मियों का टाइम है, पानी की प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हो गया काकी सा का रूम, काकू सा काकी सा का, इसमें भी स्टोर है अटैच, इसमें एक ही रूम है तो छोटा सा फ्रिज, छोटा स्टोर, सेम उस तरफ इसमें मंदिर बना रखा है, इधर ये स्टोर रूम है, यहाँ अटैच टॉयलेट, ये दो छतियाँ पुरानी, और वो पापा की फोटो, हाँ ये पापा की जितनी भी अच्छी अच्छी फोटो थी सब सारी इसमें, हाँ। ये एक और रूम है एक्स्ट्रा रूम, इसमें बक्से वगैरह रखे हुए हैं, और सब अगर साथ में आते हैं तो सोने के लिए भी काम आई जाता है, तो ये वाला इसमें भी अलमारी बहुत पुरानी है, अलमारी अलमारी मत खोलना प्लीज, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, होल खुल जाएगी, इस साइड भी ये हो गया आगे का पोर्शन पेंटे वेंटे के हिसाब से, और उधर भी हो गया, तो मोस्टली दादा के जो भी लोग आ रहे हैं, ये दोनों तरफ अलग सीढ़ियाँ जाती है, फंक्शन
होता तो हमारा ये छोटा सा पुराना मकान में करते। सब लोग बोल रहे हैं बोले जयपुर को जो मकान है ना बहुत सुंदर है, बोले अभी को होम टूर दो। तो मैं पहले सीकर वाला को देखा, शुरुआत तो अठा हुई है ना। हाँ। जरा पहले अठा को देखा। ये सीकर का हमारा सब काम इसमें बहुत मेहनत से बनाया था। और हम लोग सब जो भी कोई भी फंक्शन होता है तो हम लोग मोस्टली आपको सीकर में ही दिखेंगे। संक्रांत होली जो दिखे अभी देखा है इसने, ये इसके बहू को मेरे को अब आगे बढ़ाना और आपको कैसा लगा वो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको कैसा लगा? बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।